मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के रेप का मामला सामने आया जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के रेप के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। दावा है कि इस आरोपी ने साकीनाका इलाके में महिला का रेप किया और विरोध करने पर उससे काफी मारपीट भी की जिससे महिला के निजी अंगों पर भी गंभीर चोटें आई। बाद में किसी ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी तो ये महिला गंभीर हालत में ऑटो में पड़ी मिली जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में सबूत जुटाने के लिए उस ऑटो की फॉरेंसिक जांच भी करवाई। मुंबई पुलिस ने वारदात की जगह से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है। इस सीसीटीवी में युवक महिला को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। मुंबई के साकीनाका इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक युवक ने एक युवती के साथ रेप किया और उसको टेम्पो में छोड़ के भाग गया। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मगर हम उसी इलाके के पास खड़े हैं, उसी साकीनाका के इलाके के पास खड़े हैं जहां पर ये पूरी वारदात कल रात 3:30 बजे रात को हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल आते हैं और वहां बताया जाता है कि इस इलाके में एक टेम्पो खड़ा है और उसके आसपास एक युवक और युवती लड़ रहे हैं और जो युवक है वो लड़की को बहुत मार रहा है। इस पूरी वारदात के बाद लड़की बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। जब मुंबई पुलिस यहां पहुंची तो लड़की बड़ी क्रिटिकल हालत में थी और उसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उनको राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी युवती की हालत बेहद क्रिटिकल है और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। मौके पे जो टेम्पो था उस टेम्पो से फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी तहकीकात भी की है। बहुत जल्द इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी सामने आएगी। एफआईआर दाखिल किया, एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। साकीनाका में एक 30 वर्षीय महिला पर कुछ नराधमों ने बलात्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे निर्भया कांड हुआ था। धारा 144 उद्धव जी आपने लगाई है सिर्फ गणेश भक्तों के लिए, इन अपराधियों के लिए आपके कार्यकाल में सब कुछ माफ है। क्या चल रहा है पूर्वगामी महाराष्ट्र के अंदर जनाब उद्धव ठाकरे जी, कुछ तो शर्म कीजिए।